हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। तो देख लीजिए, ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच रखें, इसकी चौड़ाई जो है 10 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 5.5 रखें, आर्म होल की भी 5.5 ही है, 2.5 इंच की चौड़ाई देते हुए मैं गले की मार्किंग कर रही हूँ। अपने अकॉर्डिंग 2.5-3 पे मार्क कर सकते हैं। नीचे के साइड से 3 इंच की चौड़ाई रख रही हूँ। यहाँ से मार्क करके दोनों मार्किंग को बराबर करते एक बराबर में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब गले की लेंथ लेंगे तो मैं 10 इंच रख रही हूँ। अपने अकॉर्डिंग 10 जितना डीप नेक पहनना चाहते हो तब मार्क कर सकते हैं। अब गले की मार्किंग हो चुकी है, यहाँ से मटका शेप में मार्क करेंगे। अब जिस तरीके से गले की मार्किंग की, सेम मार्किंग के ऊपर से गले को कट कर लीजिएगा। अब इसके साथ में ब्लाउज का मेन फैब्रिक लेंगे। तो अस्तर भी मैंने गले को कट कर दिया, ब्लाउज का मेन फैब्रिक के लिए है। अब इसके भी कटिंग ऐसे ही करेंगे जैसे अस्तर का किया है। तो दोनों मैंने गले को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कट कर दिया। दोनों को बराबर में रखेंगे और एक सिलाई लगाते हुए पूरे गले की स्टिचिंग करेंगे। तो मैं गले को अस्तर और ब्लाउज़ के फैब्रिक को कैसे ज्वाइंट करी आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा। तो ये गले की स्टिचिंग हो चुकी है। इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे पूरे गले पर। जब इसको पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन बिल्कुल शेप एंड साइज़ में आ जाएगा। तो कट लगा लिए, अब इसको पलट कर सीधा कर देंगे। तो ये गला सीधा हो चुका है। इसको हाथों से थोड़ा प्रेस करने के बाद फिर इसके ऊपर से एक सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी फिनिशिंग दे देंगे। तो कम्प्लीटली देखिए, उभर कर गला दिखने लगा है आपको मटका शेप में। इस तरीके से बना लीजिएगा। ब्लाउज़ की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर रखेंगे और इसके साइड से सिलाई लगाते हुए पूरे ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। तो किस तरीके से मैं अस्तर और ब्लाउज़ के फैब्रिक को ज्वाइंट कर रही हूँ, इसी तरीके साइड से सिलाई लगाते हुए पूरा अच्छे से इसको ज्वाइंट कर दीजिएगा। ये कम्प्लीटली ऑलराउंड स्टिचिंग ब्लाउज़ की हो चुकी है। नीचे के साइड से टक्स की स्टिचिंग करना है। दोनों साइड से बराबर माप लेते हो टक्स को लगाएंगे। तो एक साइड से माप लेते हो टक्स को लगा लिया, दूसरे साइड से माप लेंगे और टक्स को लगा देंगे। तो मैंने दोनों साइड से माप लेते हो टक्स को लगा दिया। नीचे के साइड का बॉर्डर बनाने के लिए फैब्रिक कट करेंगे। ये अस्तर का फैब्रिक कट के इसको बराबर रखेंगे नीचे के साइड से और ब्लाउज के साथ में इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो क्लियर आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा मैं कैसे इसको ज्वाइंट करूँ। इसी तरीके से फैब्रिक को बराबर रखते हुए ज्वाइंट कर दीजिएगा। अब ये जो फैब्रिक ज्वाइंट के इसको फैलाएंगे, फिर इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी फिनिशिंग कर देंगे। तो फिनिशिंग की स्टिचिंग हो चुकी है। इस पट्टी को डबल फोल्ड करना है, फिर ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते हुए नीचे का स्टिच करते हुए बॉर्डर बनाएंगे। तो देख लीजिए नीचे का बॉर्डर में किस तरीके से बना रही। इसी तरीके से पूरा नीचे का बॉर्डर बना दीजिएगा। देख, कम्प्लीटली ब्लाउज बन चुका है। इस गले पे डिज़ाइन करनी है तो ब्लाउज को साइड रखेंगे। और डिज़ाइन करने के लिए मैंने ये बकरम कट के इसको डबल फोल्ड करके रख दिए। इसके ऊपर ब्लाउज को भी डबल फोल्ड करके रखेंगे। तो अब बकरम के ऊपर गले के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। जिस तरीके से गला उसी तरीके से बकरम के ऊपर मार्क कर देंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे जो स्टिचिंग में जाएगा। तो मार्किंग कर दी, ऊपर की साइड से डिज़ाइन का मार्क कर देंगे। अब इसकी सेम कटिंग करेंगे पूरी। तो बकरम की कटिंग हो चुकी है। इसके साथ में ब्लाउज का फैब्रिक लेंगे। तो अस्तर भी आप इस पर लगा सकते हैं। मैं अस्तर नहीं लगा रही हूँ, आप इसके दूसरे साइड से भी अस्तर लगा दीजिएगा। तो इसको इस तरीके से पहले ऊपर के साइड से सिलाई लगाते हुए इसके साथ में फैब्रिक के साथ में अटैच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दीजिएगा। फिर देखिए छोटा छोटा कट लगा लिए इसके ऊपर, इसको पलट कर सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद इसके ऊपर से एक सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी फिनिशिंग कर देंगे। इससे डिज़ाइन बिल्कुल उभर कर दिखने लगेगा ऊपर का। तो ये फिनिशिंग दे दी। अब इसकी साइड से पूरा सिलाई लगाते हुए बकरम और फैब्रिक को दोनों को साथ में स्टिच कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें से पूरा कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये देखिए डिज़ाइन कम्प्लीटली बन चुकी है। इसको ऊपर की साइड डिज़ाइन करेंगे तो पहले इसको साइड करके एक पट्टी लिए स्ट्रेचबल है क्रॉस में कटिंग किया, तो इसको डबल फोल्ड करके साइड से सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिए पाइपिंग की पट्टी की पूरी स्टिचिंग कम्प्लीटली हो चुकी है। इसको साइड करके ब्लाउज लिए, ब्लाउज गले पे इस पट्टी को बराबर रखते हुए पूरा पहले स्टिच करेंगे।
तो क्लियर आप वीडियो में देख रहे हैं मैं इसको ब्लाउज के गले पे कैसे ज्वाइंट कर रही हूँ, ठीक पूरे गले पे ज्वाइंट हो चुका है। एक्स्ट्रा कट करके निकाल देंगे, फिर इसको राउंड करते हुए पतली सी पाइपिंग बनाते हुए पूरे गले पे स्टिच करेंगे। तो क्लियर आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा मैं पाइपिंग की स्टिचिंग कैसे करें, इसी तरीके से कर दीजिएगा। तो क्लियर आप वीडियो में देख रहे हैं पाइपिंग में कैसे कर रही है देख लीजिए, इसी तरीके से पूरे गले पे कर देंगे। तो कम्प्लीटली गले पे पाइपिंग हो चुकी है। अब ब्लाउज को साइड रखेंगे और जो डिज़ाइन बनाए थे ये बकरम वाले उसको ले लिया, इसके ऊपर की साइड से भी पाइपिंग कर देंगे पूरा। इस पे पट्टी की सिलाई कर ली है, अब इसको राउंड करते हो पाइपिंग बनाते हो पूरा सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको पूरा अच्छे से बना दिया है, इसको साइड करके ये मैंने एक पट्टी कट की है। पट्टी की चौड़ाई जो रखी है 3.2 इंच है। इसको जो है पहले डबल फोल्ड करना है, इसके साइड से सिलाई लगाते हुए एक दूसरे के साथ भी इसको ज्वाइंट कर देंगे पूरा। तो क्लियर देख रहे हैं वीडियो, मैंने इसकी पूरा बना लिया पट्टी को। अब इसका फ्रिल बनाएंगे, तो क्लियर देखिए मैं कैसे फ्रिल बना रही, इस तरीके से फोल्ड करती हूँ एक साइड से सिलाई लगाती हूँ, इसको पूरा फ्रिल बना देंगे। ये देख लीजिए फ्रिल इसकी बन चुकी है पूरी बढ़िया तरीके से। अब इसको ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करना है, तो इसको साइड रख के ब्लाउज लेंगे और पाइपिंग इसमें 1 इंच के बराबर में गैपिंग रखेंगे, फिर इसको स्टिच करेंगे इसके ऊपर। तो क्लियर देख लीजिए ऐसे बराबर रखते हुए पूरा इसको ब्लाउज के साथ में अटैच कर देंगे। तो ये देख लीजिए मैंने ब्लाउज के साथ में ये पूरा डिज़ाइन बराबर रखते हुए अटैच कर दिया है। इसके डेकोरेशन करेंगे, तो डेकोरेट करने के लिए मैंने समोसे वाली लेस ली है, तो इसको बराबर रखते हुए इसके ऊपर से जहाँ सिलाई लगाते हुए डिज़ाइन को स्टिच किया वहीं से लेस को पूरा अटैच कर देंगे इसको स्टिच करते हुए। तो मैंने देखी गले भी पूरा ये लेस बराबर रखते हुए स्टिच कर दिया है। अब मेरी ब्लाउज कंप्लीट, इसको साइड रखेंगे, बीच का डिज़ाइन बनाएंगे, तो कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट किए हैं। तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई रखी है 3 इंच रखी है, दोनों फैब्रिक का सेम साइज़ है। इसको 4 पार्ट क्रॉसिंग में फोल्ड करेंगे और इसके नीचे के साइड से सिलाई लगाते हुए डिज़ाइनों को बनाएंगे। तो क्लियर देखिए पहले 2 फैब्रिक सेम फोल्ड करेंगे और फिर दोनों को बराबर रखते हुए एक दूसरे के साथ में स्टिच करेंगे। इस तरीके से देखिए मैं सभी डिज़ाइन को बराबर रखते हुए एक दूसरे के साथ में अटैच कर दी हूँ। ये बन चुके, इसको साइड रख के बकरम वाले डिज़ाइन लेंगे और इसके बीच से बिल्कुल रखेंगे और दोनों साइड से सिलाई लगाते हुए इसको इस डिज़ाइन के साथ में अटैच कर देंगे। ये डिज़ाइन के साथ में अटैच हो चुकी, इसके डेकोरेशन करने के लिए लेस लेंगे और लेस को बिल्कुल बराबर रखते हुए इसके साथ में स्टिच करेंगे। तो देख रहे हैं मैं कैसे एक साइड से की ऐसे दूसरे साइड से भी कर देंगे। दोनों साइड के बन चुका है ब्लाउज लेंगे और ब्लाउज के साथ में डिज़ाइन को बिल्कुल बराबर रखिएगा और पूरा सिलाई लगाते हुए दोनों को एक साथ में अटैच कर देंगे। तो ये देख लीजिए मैंने ब्लाउज और डिज़ाइन दोनों को साथ में ज्वाइंट कर दिया है। मेरा ब्लाउज डिज़ाइन ये बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बनाने में भी इजी था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन साथ जैसा ब्यूटीफुल सिंपल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।